ना मावा ना खोया ना ही कोई झंझट, सिर्फ एक गिलास दूध से आज बनाएंगे इतनी बढ़िया कलाकंद रोल कि देखकर भी आपको मजा आएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए कितना नरम मुलायम दानेदार जो है हमारा कलाकंद बनकर तैयार हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। ना हमने इसमें पनीर का इस्तेमाल किया है, ना ही मावे का, ना खोए का। सिर्फ एक गिलास दूध से बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है, एकदम हल्के मीठे की है और बहुत आराम से इसको एक हफ्ते तक रख के खाया जा सकता है। इस कलाकंद को दानेदार बनाने के लिए एक खास सीक्रेट चीज़ डलेगी, वो है ब्रेड के 2 स्लाइस। ब्रेड स्लाइस तो सबके घर में होते ही है। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस के किनारे निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, आगे मेरे भाई की लड़की शैतानी करने के लिए, इसको तो ये खेल जैसा लगता है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो ये ज़रूर मेरे साथ पंगे लेती है और इसको ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है मेरा कुछ 7 साल हो गया है। ये मेरे को बिल्कुल फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, जबकि हम दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस है। ये देखिए कितने अच्छे जो है मैंने अच्छी तरह से ब्रेड को चूरा चूरा कर लिया। हमें इसे पीसना नहीं है, बस इस तरह से हाथ से ही चूरा चूरा कर लेना है। अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के लगभग देसी घी लेंगे और इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध में थोड़ी सी मलाई थी, वो भी मैंने साथ में ही डाल दी। दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लगातार चलाएंगे। बस इस तरह लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। और जैसे ही ये तेज़ गर्म होने लगेगा, इसमें मैंने चीनी डाल दी है, 4 चम्मच के लगभग मैंने चीनी डाल दी है। बिल्कुल हल्के मीठे का बहुत टेस्टी कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आप ये बढ़िया रस मिठाई तैयार कर सकते हैं। और 2-3 चम्मच ही मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है, जिससे इसका बिल्कुल दानेदार टेस्ट आएगा और खाने में बहुत अच्छी भी लगेगी। अब हमने ये इसके अंदर जो ब्रेड स्लाइस का चूरा करके रखा था वो भी डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार पकाते रहेंगे और धीरे धीरे इसको गाढ़ा करते रहेंगे। अब क्योंकि बना तो रहे हैं कलाकंद, तो अगर इसमें कलाकंद के लिए बनाने के लिए 1-2 चीज़ तो डालनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए मैंने जो दूध की मलाई थी 2 चम्मच, एक तो वो डाल दी। जैसे ही दूध की मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे इसमें घी नहीं डालना पड़ेगा, यानी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एकदम कलाकंद बनकर तैयार होगा। साथ में मैंने इसके अंदर 1 कप के लगभग मिल्क पाउडर डाल दिया, ताकि इतने से सामान से हमारी 1 किलो से ज़्यादा जो है हमारा ये कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद हम बस इसे लगातार चलाते रहेंगे और कुछ हमें इसके अंदर नहीं डालना। हाँ, मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच के लगभग इलायची पाउडर और डाला है, जो कि अच्छे फ्लेवर के लिए है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह 1 गिलास के बजाय 2 गिलास दूध यूज़ कर लीजिए और ब्रेड स्लाइस 2 के बजाय 4 यूज़ कर लीजिए। अब ये मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच के लगभग इलायची पाउडर। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, लगातार चलाते जाएंगे। ये घी वाला चम्मच था, मुझको लगा मांझने में तो डालना ही है, तो इससे अच्छा तो उसका घी तो उतार लो। कंजूसी करना तो फिर हमारी लेडीज़ की आदत बनती है ना, अगर ऐसे कंजूसी से घर ना चलाएं तो फिर गुजारा कैसे चलेगा। और आजकल तो आपको पता ही है महंगाई इतनी है, बाहर से मिठाई लेने जाओ आप गारंटी लगा लो कहेंगे मावे की, तब भी उसके अंदर इसी तरह की चीज़ें मिली हुई होंगी, यहाँ तक कि उसके अंदर पुराना खोया भी मिला के दे सकते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम घर में ही बना लें। ये देखिए, बस लगातार मैं चलाती गई और हमारा बहुत अच्छा कलाकंद दानेदार एकदम बनकर तैयार है। ना तो इसमें पनीर डालना पड़ा और ना ही कोई और चीज़। बस इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और जब ये एक डो का फॉर्म ले लेगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लेकिन चलाना नहीं रोकना, अभी भी 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे वाला हिस्सा जो है ब्राउन ना हो और ये अच्छे से सिकता रहे। इतनी देर एक कागज़ मैंने बिछाया बटर पेपर, उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ते का चूरा डाल दिया। ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहो तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हो, लेकिन मैं चांदी का वर्क थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो सस्ता वाला आता है वो तो कन्फर्म चांदी का वर्क है ही नहीं, और जो महंगा वाला आता है तो महंगा वाला खा के करना क्या है, घर में ही तो मिठाई बनानी है, सिर्फ शो तो करनी नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं भेजनी है, मैं गारंटी ले रही हूँ कि आप ये मिठाई किसी मेहमान के घर भी, यानी दिवाली पर और जो आने वाले त्यौहार हैं रक्षाबंधन पर, अपने घर से बना के ले जा सकते हैं 10 मिनट में भाई को बढ़िया टेस्टी मिठाई। और जब आप उसको ये बताएंगे ना बाद में कि इसमें ब्रेड डली है, तो मैं कसम से कह रही हूँ वो अपना सिर पकड़ लेगा, भाई कहेगा तू तो हलवाई हो गई, इतनी लाजवाब मिठाई बनी है। मेरे घर में भी सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कहीं दूर दूर तक पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर हमने ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो पसंद आई ही होगी। अब इस तरह से मैंने उसके ऊपर वो डाला और जो हमारा डो बना था, और अच्छे से रोल करके 1 घंटे तक मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। देखिए क्या लाजवाब रोल बनकर तैयार हुआ। अब आपकी मर्जी है, चाहे बर्फ़ी काटिए, चाहे स्लाइस काटिए, जो आपका मन हो वो काटिए, और बहुत बढ़िया हमारा कलाकंद रोल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए,
फटाफट से बस कट कर लीजिए और सर्व कर दीजिए। अगर भाई के घर टीके पे लेके जाना है तो प्लेट में थोड़ा सा सजा लीजिए, थोड़ा चांदी का वर्क लगा लीजिए, असली वाला लाना अगर वर्क लाना हो तो देखकर, और साथ में थोड़ा बहुत पिस्ता और बुरक दो, दो चार केसर के धागे डाल दो। हो गई हमारी मिठाई तैयार। वैसे मैंने ज़्यादा तो फैशन किया नहीं है क्योंकि हमें तो घर में ही खानी है, और जब घर में खानी हो तो वर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए कितना दानेदार कलाकंद बनाए। कल मिलेंगे फिर।